Hello everyone, so today we'll talk about two products. First is Dicra 50 and second is Clinclotaz C. Firstly, we will talk about Dicra 50. Its composition is Dicerin 50 mg tablets, MRP is 290 per strip and its packing is 10x10 Alu-Alu. Now we'll talk about its class of drugs. So basically it belongs to class anthraquinones. Now we'll talk about its indication. So basically isko hum osteoarthritis ke case mein use karte hain. Osteoarthritis kya hota hai? It is a type of arthritis जिसमें क्या होता है, कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो जाता है. कार्टिलेज एक स्ट्रॉन्ग रबरी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बोन्स को फ्रॉम रबिंग एंड फ्रिक्शन. बोन्स का रबिंग एंड फ्रिक्शन ना हो, एक पैडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन इन्फ्लेमेशन रहता है जॉइंट्स में एंड इट मोस्टली अफेक्ट जॉइंट्स इन ऑफ नीज, बैक, लोअर बैक हो गया, नेक हो गया, हैंड्स हो गया, हिप हो गया, इन जॉइंट्स में मोस्टली अफेक्ट करता है. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये वर्क करता है. बेसिकली जो डायसेरिन है, एक प्रोटीन होता है इंटरल्यूकिन 1 बीटा प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है, विच कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज. उस प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में इट इज़ बेनिफिशियल. इट इज़ अ प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस स्टिमुलेटर विच रिपेयर्स एंड बिल्डअप्स कार्टिलेज एंड एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को फॉर बेटर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो सिम्टम्स हैं पेन एंड इन्फ्लेमेशन उनको रिड्यूस करता है. So this is the mechanism of action. Now we'll talk about its dosage. So इसका जो starting dose रहता है, initial dose रहती है 50 mg once in a day for 2 to 4 weeks. Then हम इसको use करते हैं 50 mg twice in a day. Our second product is Clinclotaz C Vaginal Suppository. Its composition is clindamycin 100 mg and clotrimazole 200 mg and its MRP is 180 per strip. Now we'll talk about its packing. So it comes in 10x1x3 packing with applicator and its indication is basically this combination ko hum use karte hain to treat vaginal yeast infection like vaginal candidiasis ho gaya, vaginal discharge, un sare symptoms ko treat karne ke liye हम यूज़ करते हैं, जैसे पेन, इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस होती है, वाइट डिस्चार्ज इन फ्रॉम वेजाइना, ये सारे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो बेसिकली जो फर्स्ट है क्लिंडामाइसिन, इट इज़ एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट करके, विच आर जो कि असेंशियल है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उन प्रोटीन्स को इनहिबिट करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये स्टॉप कर देता है. एंड सेकेंड इज़ क्लोट्रिमाजोल. क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल है, अजोल डेरिवेटिव है. ये क्या करेगा, फंगस की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. जो फंगस की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, उसको ये इनहिबिट करके फंगस की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एंड इसका जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बर्निंग, ईचिंग, डिस्चार्ज, पेन, इन्फ्लेमेशन, वो सारे सिम्टम्स को ट्रीट करने में ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल प्रूव होता है. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ यूज़. सो इसको यूज़ करने से बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग दिस मेडिकेशन, वॉश योर हैंड्स, देन इंसर्ट द सपोजिटरी इनटू द वेजाइना यूजिंग एप्लीकेटर फॉर 3 to 7 days. थैंक यू.